धन्यवाद सभापति जी। जो बिल अभी सामने आया है इसके लिए मैं विशेष रूप से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं कि जो हमारी इतनी बेशकीमती संपदा थी, राष्ट्रीय संपदा थी, जिस प्रकार उसको लूटा जा रहा था और लोगों ने बजाय समझने के कि नेशनल प्रॉपर्टी है अपनी निजी संपत्ति मान लिया और निजी संपत्ति मान करके लाखों लाखों करोड़ रुपया हजम कर लिया। अगर वो पैसा कहीं राष्ट्रकोष में आया होता, ट्रेजरी में हमारी आया होता तो कितना विकास हमारा हुआ होता। इसके अतिरिक्त हमारी ये शाकगिरी राजनीतिक दलों राजनीतिक व्यक्तियों की शाकगिरी है, उस मेन कारण ये भी रहा कि सब पूरी जनता के सामने ये आया कि लोग माइंस और मिनरल्स में खानों को बेच रहे हैं, अपने विवेक से बेच रहे हैं, इस बात पर सोच नहीं रहे हैं कि इसके लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। आज सरकार उस पूरी व्यवस्था को बदल करके एक ट्रांसपेरेंट, इतना सबके सामने जो क्लियर हो, स्पष्ट हो, पारदर्शी एक व्यवस्था लेकर के आई है। और पारदर्शी व्यवस्था भी ऐसी अंडर द टेबल कुछ नहीं होने का, जो कुछ होगा मेज के ऊपर से बात होगी, सबके सामने बात होगी, खुलकर के बात होगी, सारी जनता को पता लगेगा हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैनेवर आज वही संपत्ति हमारी, बजाय इसके कि कोई आदमी अपनी संपत्ति मान करके वो बेचता रहे, माननीय मंत्री जी ने व्यवस्था की है कि बिना ऑक्शन के, बिना नीलामी के कोई भी संपत्ति का ट्रांसफर नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा और पारदर्शिता क्या हो सकती है। मैं निश्चित रूप से इसकी प्रशंसा भी करता हूं और मुझे विश्वास है कि पिछले दिनों में जिस प्रकार से पैसा आया इन खानों के आवंटन को लेकर के और राष्ट्र में एक विकास की धारा बही, ये धारा आगे भी निरंतर बहती रहेगी और मैं वास्तव में पुनः इसके लिए बधाई देता हूं। लेकिन इसके माध्यम से मैं मंत्री जी आपका ध्यान चाहता हूं और ध्यान इस बात के लिए चाहता हूं, बड़े बड़े लोगों को तो खाद मिलेगी, ऑक्शन भी होंगे, पैसा भी आएगा, विकास भी होगा, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसकी तरफ आपने खास ध्यान दिया है और वो वर्ग ट्रैवल्स का है। जो लोग वहाँ बसे हुए थे, अगर उनके ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव होगा, वो उजड़ेंगे वहाँ पर आकर के, तो आपने उसकी भी व्यवस्था की है कि नहीं उनकी सहायता की जाएगी। ऐसे नहीं होगा कि ज़मीन चली गई, उसमें खनन हो रहा है, वो उजड़ के कहीं और चले जाएंगे, जंगल में उनको भागना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था भी आपने की है, ये भी प्रशंसा के लायक है। मनोहर मैं आपका ध्यान इसलिए चाहता हूँ, इसके अलावा भी एक वर्ग है और इस बिल में तो स्पष्ट रूप से उसकी व्यवस्था नहीं है, लेकिन कभी आप विचार करें उस बात के ऊपर भी, क्योंकि मैं बिल्कुल व्यवहारिक बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूँ। और ये बिंदु एक जिले का नहीं है, एक राज्य का नहीं है, पूरे देश का है। नदियाँ हैं हमारे देश में, मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में जहाँ से शुरू होता है जहाँ समाप्त होता है, यमुना नदी है और ये पौराणिक नदी, पूजा इसकी करते हैं, हमेशा मेला वहाँ पर लगता है। आप विचार करें जब भी बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आने के बाद में जितने भी किसान हैं उस किनारे पर, उस आम तौर से सब छोटे छोटे किसान हैं, बाढ़ आएगी तो रेत उन किसानों के खेत में जाएगा, वो महीना पानी भरा रहे, दो महीने पानी भरा रहे, लेकिन उसके बाद में जो पानी रिसीड होगा, पानी ख़त्म होगा, रेत उसमें रह जाएगा। अब उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम उसका ये होगा, खेती लायक ज़मीन रही नहीं, जो खड़ी फसल थी वो ख़त्म हो गई और किसान को जिसकी वो ज़मीन है उसको वहाँ पर रेत उठाने का अधिकार है नहीं, कहाँ जाए वो, इसकी भी चिंता आप करें। और चिंता अगर करेंगे तो लाखों लाखों किसान कम से कम आपको धन्यवाद देंगे। मेरा सुझाव ये है और मैंने लिख करके भी इसके लिए भेजा था आपके पास में, शायद आ भी गया होगा, मेरा सुझाव ये है कि जिस किसान की ज़मीन पर बाढ़ के परिणाम स्वरूप रेत भर जाता है और वो खेती लायक ज़मीन नहीं रहती है, तो उस किसान को अधिकार रहे उस रेत को साफ करने का। आप एक साल का समय दे दीजिए उसको, दो साल का दे दीजिए, तीन साल का दे दीजिए, और जब तक वो ज़मीन खेती लायक ना हो जाए तब तक उस किसान का अधिकार उस पर बना रहे। अब क्या है, अगर वो एक तसला या एक छोटा सा हिस्सा भी उस रेत का उठाएगा तो खनन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी,
स्थानीय अधिकारी इसका पूरा शोषण करेंगे। न जाने कितने केस ऐसे आए हैं, कितने ऐसे प्रकरण आए हैं सामने जाकर के, कि अगर किसी किसान ने अपनी खेती में अपनी जमीन में थोड़ा बहुत भी सफाई करने की कोशिश की तो खनन एक्ट के उल्लंघन का उसको पात्र मान करके उसके ऊपर लाखों लाखों रुपए के जुर्माने हो जाते हैं। और कभी कभी तो उसकी ट्रॉली भी या गाड़ी भी थाने में बंद होती है, वो भी थाने में बंद होता है। इसके बारे में आप ज़रूर विचार करें, क्योंकि ये बिंदु ऐसे हैं जो आम आदमी से और आम लोगों से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ मैं आपका ध्यान चाहता हूँ, खनन की परिभाषा एक इतनी विकसित हो गई, जिस खनन के बारे में आप चिंतित हैं उसके बारे में तो चिंता होनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारे बहुत बड़ी चोरी और डकैती उसमें हो रही थी। चिंता करना स्वाभाविक है उसका, लेकिन एक चिंता और भी आप करें। अगर किसान का खेत है और वो उस खेत में उसको एकसार करना चाहता है, जेसीबी लगा ले, दूसरे मजदूर लगा ले, अगर मैं अपने खेत में इतना अधिकार नहीं रखता कि वो खेत ऊंचा नीचा है और उसको मैं एकसार करने का काम करता हूं, तो इसके ऊपर जाति है या नहीं है, आप इसके बारे में विचार करें, ताकि स्थानीय अधिकारी उस किसान का शोषण ना कर सके। इस वक्त तो पूरा शोषण चल रहा है, कोई बचा हुआ नहीं इससे, कोई भी नहीं बचा हुआ इससे। तीसरा बिंदु मेरा ये है कि जिन लोगों ने नदियों का माफिया गर्दी में स्थानीय प्रशासन के संरक्षण में भारी खनन करके वहां के पर्यावरण को समाप्त करने का काम किया है, उस पर हमारी नजर जानी चाहिए। मैं बधाई देता हूं और मैं धन्यवाद भी करता हूं माने सर्वोच्च न्यायालय का, कम से कम उन्होंने इस बात के ऊपर ध्यान दिया। माने मेरे क्षेत्र में जहां यमुना शुरू होती है, जहां से सहारनपुर जिले में नकुट तहसील है, सरसावे का क्षेत्र पड़ता है, एक माफिया इतना सक्षम है कि लखनऊ में किसी भी पार्टी की सरकार आए भाजपा को छोड़ करके, दो दल हैं वहां पर क्षेत्रीय दल, कभी उनकी सरकार आई कभी उनकी सरकार आई, उस माफिया में इतनी क्षमता थी कि सरकार किसी की हो उसका काम पड़ता ही था, कम नहीं होता था। और अब स्थिति यह आई है जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है कि 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति केवल उसने यमुना को बर्बाद करके कमा ली। माने वाले इतने कोई 3,000 एकड़ में तो उसने एक विश्वविद्यालय बना लिया और कभी 8वीं पास नहीं की, 3,000 एकड़ कभी कभी उसने मेरे ख्याल में 4th क्लास की भी सर्टिफिकेट उसके पास में नहीं है और खुद उसका वाइस चांसलर है, खुद वाइस चांसलर विश्वविद्यालय का। अब जब उसमें विषय गया माने सर्वोच्च न्यायालय में, तो सर्वोच्च न्यायालय ने खुद नोटिस दिया उस 10,000 करोड़ की अवैध कमाई के संबंध में। मैंने भी प्रयास किया वहाँ का एक प्रतिनिधि होने के नाते, पूरे अभिलेख डॉक्यूमेंट्स मैंने इकट्ठे किए और इकट्ठे करने के बाद में जहाँ मुझको भेजना चाहिए था पर्यावरण में मैं भेजा भी, लेकिन वहाँ शायद वो मामला विचाराधीन अभी है, अभी और प्रभावी कार्रवाई करने की उसमें आवश्यकता है। अगर ऐसे लोग के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो हमारा संशोधन भी हमारा एक्ट भी कम से कम एक वर्ग को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और वो वर्ग ऐसा है जो हमारी नदियों को बर्बाद करने में लगा है। आज प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है, माननीय अटल जी ने तो आगे तक कहा था कि तमाम नदियों को हमने जोड़ना चाहिए, आज प्रधानमंत्री जी की इच्छा ये है कि खेत में हर खेत को पानी दिया जाए, सिंचाई के ऊपर वो पूरा बल दे रहे हैं, लेकिन हर खेत को पानी तो तभी देंगे जब ये नदियां हमारी बच पाएंगी। अगर नदियां नहीं बच पाएंगी, ऐसे माफियाओं के शिकार ये हो जाएंगी और उनको सुखा दिया जाएगा तो पानी कहाँ से आएगा। तो मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि जो बिंदु मैंने कहे हैं ये उतने आकर्षक नहीं लगते, उतने प्रभावी भी नहीं लगते, क्योंकि ये आम किसान से संबंधित हैं, वहाँ तक निगाह जाती नहीं लोगों की ज़्यादा, और वहाँ केवल स्थानीय प्रशासन उन माफियाओं को संरक्षण दे करके जितना शोषण उनका करता है, क्या आप कल्पना करेंगे कि हमारी लाखों लाखों एकड़ जमीन केवल इस वजह से बर्बाद हो गई कि इन माफियाओं ने कब्जा करके उसके ऊपर से जो खनन किया, अवैध खनन किया है, वह खंडर में बंजर में तब्दील हो गई। माने पर उसको बचाने की बात है, और उसको बचाने के लिए आप ही सक्षम हैं
केंद्र सरकार सक्षम है, जब तक यहाँ से कोई संशोधन नहीं आएगा और नया कानून नहीं बनेगा उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए, तो तब तक उनको बचाना संभव नहीं हो पाएगा। आपने पारदर्शिता के साथ साथ तमाम लोगों का जो ध्यान रखा है और यह विश्वास दिलाया तमाम देश की जनता को कि आज हम ऐसा बिल पास करा रहे हैं, इसके पास करने के बाद में जो देश की राष्ट्र की संपदा थी और राष्ट्र की रहेगी, किसी व्यक्ति विशेष की रहेगी नहीं होगी, इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देते हुए सूक्ष्म में अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन इस विश्वास के साथ में कि कम से कम जो विषय मैंने उठाए हैं उन विषयों के ऊपर आपका ध्यान जरूर जाएगा। धन्यवाद।